जब एक दंगा का आरोपी नादिम के लिए जो है एयर एम्बुलेंस आ जाता है और सरकार पुलिस के नज़र में वो आरोपी रहता है, दंगे का आरोपी, उसके लिए एयर एम्बुलेंस आता है और वो रांची से दिल्ली जाता है, लेकिन वही अंकिता झारखंड में जो है खराब स्वास्थ्य व्यवस्था से, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था से लड़ते लड़ते मर जाती है, उसको ना कोई देखने आता है। जब वो खराब स्वास्थ्य व्यवस्था से लड़ रही होती है तब झारखंड के मुख्यमंत्री जो है वो तमाम मंत्रियों और विधायकों के साथ पिकनिक मना रहे होते हैं। क्यों मांग करेंगे हम, जो जिसको करना है करे, हमको क्या मुआवजा चाहिए? हाँ, जिसको देना सहायता करना, हम लोग गरीब को सहायता करना है करे। परिवार को मुआवजा की जरूरत है कि नहीं? परिवार तो पहले बच्चा चाहिए कि हमको मुआवजा चाहिए? बच्चा तो वापस नहीं है, बिल्कुल होगा दादाजी। आप लड़ रहे हैं इस उम्र में, तो हम भी आपके साथ इस लड़ाई में खड़े हैं और उसको सजा दिलवा कर रहेंगे। वो फोटो को जोड़कर फोटोशॉप के द्वारा जो है ये खेल रचा जा रहा है। साइबर टीम को, साइबर सेल को चाहिए कि एक्टिव होकर, यहाँ हम पोसे हैं, हमने सामने जन्म लिया है, हम नहीं जानते हैं, तो उसको बीच सड़क पे खड़ा करके फांसी की सजा दी जाती या फिर गोली मार दिया जाता। बढ़ता चले, हंसते हुए जा रहा था सर। अभी हम झारखंड में उसी घर में खड़े हैं जहाँ पे एक 16 साल की नाबालिग लड़की अंकिता को जलाकर मार दिया जाता है। यह घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली है, सिर्फ झारखंड ही नहीं तमाम देश के लोगों को शर्मसार करने वाली घटना है। अभी उस घर पे तमाम लोग हैं, ये लड़की के दादाजी हैं और मजा नहीं है, इसके लिए पहले फांसी सजाए 15 रोज के अंदर में किया जाए, मेरा यही धंधा कहना है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं बिल्कुल 15 रोज नहीं, हम तो कहेंगे कि 7 रोज के अंदर में स्पीडी ट्रायल करके उस जैसे दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए और मुआवजा का मांग जो भी हो रहा है सब जायज है, लेकिन उससे पहले इस तरह का घटना आगे ना हो, इसके लिए हमें और समाज के लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए? उसको फांसी सजा होना चाहिए, जो हम देख ले, आप लोग आवाज उठाइए, फांसी सजा हो। अच्छा, इस तरह की घटना को किस प्रकार देखते हैं? अरे घटना है, इसके लिए जो जघन्य अपराध है, इसके लिए हम लोग क्या इसके बारे में बोले, कैसा घटना है, इससे ये जघन्य अपराध है, इसका आप लोग अगर मीडिया वाले हैं तो जाके इसको फांसी दिलवा दीजिए, उस पर लगी है। हम लोग को जहाँ गवाही देना होगा हम लोग गवाही देंगे। सोशल मीडिया पे कुछ फोटोज भी वायरल हो रहे हैं जो कि शायद मुझे लगता है एडिटेड है, यहाँ पे लड़की के दादाजी, हम इनसे जानना चाहेंगे कुछ फोटोज जो वायरल हो रहा है वो देखे हैं क्या? नहीं, हम लोग कुछ नहीं देखा है। नहीं, मैं दिखाकर ये कंफर्म हो लेना चाहता हूँ कि वो फोटो एडिटेड है या फिर क्या है, क्योंकि यह सच्चाई आना बहुत ही जरूरी है। कितना खतरनाक है आज के दिन, जी सभी जानते हैं, सोशल मीडिया कितना खतरनाक हो रखा है, इस चीज को पूरा हिंदुस्तान जानता है, समझे ना। और एडिटेड होना एक सेकंड का काम है, बिल्कुल एक सेकंड का काम है, समझे ना। अब ये घर वाले क्या बताएंगे, फोटो देख के क्या पता होगा, उसे क्या पता, ये कोई बता पाएगा आज के डेट में? आज के डेट में हमारे देश के प्रधानमंत्री का एडिटेड फोटो आ जाता है? नहीं बिल्कुल, वो तो तमाम लोगों के एडिटेड फोटो हो जाते हैं, उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। ये ये विषय है आपके इंटीग्रेशन का, समझे ना, आप इंटीग्रेशन कीजिए, ये प्रशासन का काम है, ये फास्ट पॉकेट कोर्ट में इसको लेके आइए। अभी आप बात कर रहे हैं आयु की, आयु का तो प्रमाण पत्र है, सब कुछ है, उसकी जानकारी लीजिए, सरकार तो उसी को मानेगी, हमारे बोलने और आपके बोलने से तो मानेगी नहीं, पेपर को मानेगी, तो पेपर को आप प्रोड्यूस कीजिए। आप लोगों को क्या जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है, जानकारी यही है कि उस दिन ये घटना घटी है, बस बच्ची मर गई, अम्मा उसको मार दिया, सीधी सी बात है कि उसको आग लगा के मार दिया, सीधी सी बात है। बालिक है, नाबालिग है, आधार कार्ड देखा जाए कि बालिक है, नाबालिग है, एकदम नाबालिग है, 15 साल, 15.5 साल की उम्र है, नाबालिग है, लोग कह देगा नहीं बालिक है तो मान जाएंगे, यहाँ हम पोसे हैं, हमने सामने जन्म लिया है, हम नहीं जानते हैं। सही माने में अच्छी है, कोई भी शख्स, कोई भी शख्स ये बात बोल सकता है, संसार करने कर देने वाली घटना है सर, उसको इससे दर्दनाक घटना और क्या हो सकती है? अगर इसको देखा जाए तो इससे ज्यादा दर्दनाक घटना को कुछ हो सकती है क्या? नहीं, कहीं ना कहीं संविधान सभी लोगों के लिए एक समान नहीं है, यही अच्छा, ये जो गरीब घर की लड़की थी इसीलिए उसका इतना दुस्साहस हुआ, अगर कोई क्या हाँ? अगर यही कोई नेता या फिर बड़े बिजनेसमैन या फिर बड़े लोगों की घर की बात होती तो ऐसा होता नहीं, अगर कोई इतना जुर्रत करता
तो उसको बीच सड़क पे खड़ा करके फांसी की सजा दी जाती या फिर गोली मार दिया जाता। ये एकदम गोली मार देने लायक चीज है। और इसको भी गोली मार देना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि संविधान के अनुसार ऐसा नहीं है, तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं ये कहना चाहूंगा कि संविधान के अनुसार हो क्या रहा है। अभी जो ये सब टाइप के केस को संविधान को ताक पे रख देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रख देना चाहिए, तभी समाज में ऐसी घटनाएं रुकेंगी भी। ऐसे नहीं रुकेगी, तो ऐसे बढ़ता चले। हंसते हुए जा रहा था सर, उसको जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो एक बार वो फोटो देख के तो मैंने मन में आ रहा था कि अगर वो मेरे सामने में होता तो हम गोली मार देते। बिल्कुल, उसके लिए जेल जाना होता जाते, लेकिन उसको गोली मार देते। मतलब बताइए ना, एक तो इतना शर्मसार करने वाला घटना वो करता है, अंजाम देता है, उसके बाद पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो हंसते हुए जाता है वो बेशर्म लड़का। उसको प्रोत्साहन बिल्कुल, उसको भी पता है कि जो अपराधी सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, उनको संरक्षण देंगे और वो बचेगा। जब एक दंगा का आरोपी नादीम के लिए जो है एयर एम्बुलेंस आ जाता है और सरकार पुलिस के नज़र में वो आरोपी रहता है, दंगे का आरोपी, उसके लिए एयर एम्बुलेंस आता है और वो रांची से दिल्ली जाता है। लेकिन वही अंकिता झारखंड में जो है खराब स्वास्थ्य व्यवस्था से, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था से लड़ते लड़ते मर जाती है। उसको ना कोई देखने आता है। जब वो खराब स्वास्थ्य व्यवस्था से लड़ रही होती है, तब जो है झारखंड के मुख्यमंत्री जो है वो तमाम मंत्रियों और विधायकों के साथ पिकनिक मना रहे होते हैं। न्याय दिवा दीजिए, आप लोगों को सोशल मीडिया का यही कहना है, न्याय दिवा दीजिए और जो अनर्गल सब फोटो वायरल हो रहा है उस पर केस करवाइए, इसका उस पर ट्रायल केस करवाइए कि अनर्गल फोटो क्यों हमारे बच्चे के साथ हो रहा है। ये व्हाट्सएप फोटो जो है किसी षड्यंत्र के तहत हो रहा है। दो फोटो को जोड़कर फोटोशॉप के द्वारा जो है ये खेल रचा जा रहा है। साइबर टीम को, साइबर सेल को चाहिए कि एक्टिव होकर, झारखंड के मुख्यमंत्री जी ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं, इस मामले में कहाँ चले गए हैं, वो सो गए हैं क्या? साइबर सेल को एक्टिव किया जाए और वहाँ पे जो है उस तमाम जो लोग एडिटेड फोटो जहाँ से वायरल हो रही है उस केस को कमजोर किया जा रहा है। और फिर भी अगर वायरल फोटो एक तो सरासर गलत है, लेकिन अगर सच भी है तो केस को कमजोर करने से क्या मतलब बनता है भाई? उसको जलाया है ना, पेट्रोल डालकर जलाया है ना, वो गलत है, उसको फांसी की सजा देनी चाहिए। तो और अगर कहां से वो जो फोटो वायरल हो रहा है उसको पता करके प्रशासन को उसके अगेंस्ट विरुद्ध में कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल तुरंत इमीडिएट कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को एक्टिव होकर इमीडिएटली उसको गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी भी घटना में अगर कोई लोग भी फोटो एडिट करता है, फोटोशॉप करता है, तो उससे पहले डरेगा। क्यों? चलिए ठीक है, कानूनन कार्रवाई जो है आप लोग अपने स्तर से इसको जो है प्रशासन पर मुआवजा का भी मांग करते हैं क्या आप लोग? मुआवजा हम लोग क्यों मांग करेंगे? हम जो जिसको करना है करे, हमको क्या मुआवजा चाहिए? हाँ, जिसको देना सहायता करना, हम लोग गरीब को सहायता करना है करे। परिवार को मुआवजा की जरूरत है कि नहीं? परिवार तो पहले बच्चा चाहिए कि हमको मुआवजा चाहिए? बच्चा तो वापस नहीं है, फांसी सजा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा दादाजी। आप लड़ रहे हैं इस उम्र में, तो हम भी आपके साथ इस लड़ाई में खड़े हैं और उसको सजा दिलवा कर रहेंगे। वो बिटिया बिल्कुल होना चाहिए, वो बिटिया बरी होकर इस बुजुर्ग दादाजी के लिए कुछ करती, जिस उम्र में इनको जो है डोली उठाना चाहिए, आज वो अर्थी उठाए, कहां से ये न्याय की बात हो रही है भाई? दादाजी न्याय की मांग कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि बीच चौक चौराहे पे उसको जो है फांसी की सजा दी जाए और मुआवजा भी मिलना चाहिए इस परिवार को। बहुत धन्यवाद।